अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद कर दो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को यूट्यूब चैनल बनाना सिखाऊंगा ए टू जेड, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ी बहुत जो बेसिक सेटिंग है वो भी करवाऊंगा और इसके साथ साथ जो है चैनल आर्ट भी लगाऊंगा। तो चलिए गाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ से आपको दिखाता हूँ कैसे अपने यूट्यूब चैनल बनाना है अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपने YouTube में, ठीक है ना। YouTube में सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वो वाला Gmail यहाँ पर लॉगिन करना है जिसके ऊपर आप चैनल बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो वाला ईमेल आपने लॉगिन करना है। अगर आप उस ईमेल को जो है सबसे पहले आप अपने Gmail अकाउंट में भी यहाँ पर लॉगिन करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये वाला अभी लॉगिन है। तो यहाँ पर आप जो है उसको अनदर अकाउंट जो है यहाँ पर क्लिक करें, एड अनदर अकाउंट, उसको ऐड करें। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, ये देख सकते हैं, सॉरी ये वाला, तो इस नाम से मेरे पास ये मौजूद है आरिफ खान व्लॉग से। तो इसको मैंने जो है यहाँ पर लॉगिन करना है सबसे पहले इस जीमेल में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास अब ये जीमेल में मेरा ये अकाउंट अब लॉगिन हो चुका है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, जाना है यूट्यूब पे, और अब यूट्यूब में भी वही जीमेल जिसके ऊपर मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ यहाँ पर वो लॉगिन करना है। यहाँ पर क्लिक करें आप जो प्रोफाइल पिक्चर है और यहाँ पर आप स्विच अकाउंट पर क्लिक करें। जैसे आप स्विच अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास वो वाले जीमेल्स आ जाएंगे जो आपके अकाउंट जो आपके गूगल क्रोम में लॉगिन है। तो आप देख सकते हैं मेरे लास्ट पे जो मेरा न्यू अकाउंट है इसके ऊपर ही मैं बनाना चाहता हूँ अपना चैनल, और इसके नीचे आप देख सकते हैं नो चैनल, ठीक है ना। तो इस पर मैंने क्लिक करना है, मतलब इस पर अभी तक कोई चैनल नहीं बना। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया अपने इस जीमेल पे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मेरा वो वाला जीमेल अकाउंट लॉगिन हो चुका है जो अभी मैं आपको दिखाता चलूँ। आप देख सकते हैं आरिफ खान व्लॉग्स के नाम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साथ क्रिएट अ चैनल, मतलब इसके ऊपर अभी चैनल नहीं बना है। तो कैसे चैनल बनाना है, इसमें जीमेल लॉगिन हो चुका है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आप क्रिएट चैनल पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्रिएट चैनल पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउ यू विल अपीयर, कैसे आप अपीयर होंगे वहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं कोई दूसरा वाला चेंज कर सकते हैं, जैसे आप वो भी चेंज करें। लेट्स सी मैं कोई दूसरा वाला पिक्चर, अगर यहाँ पर आपको मुझे कोई भी पिक्चर अच्छा लगा तो मैं वो वाला पिक्चर यहाँ पर ऐड कर दूंगा। बहरहाल मुझे वही पिक्चर अभी फिट लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से किसी दूसरे पिक्चर को उठा के उधर पेस्ट करूँ तो भी चलेगा। मेरे पास आई थिंक यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स हैं, मैंने यहाँ से एक पिक्चर निकालनी है, लेट्स सी ये वाला पिक्चर। तो ये वाला पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसको मैं डन करके अपलोड करता हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरा जो न्यू पिक्चर है वो इसके ऊपर लग जाए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग हो रही है। अब इस ये जो पिक्चर है ये अपलोड हो जाएगी आप देख सकते हैं, और इसको जस्ट आपने क्लिक करना है क्रिएट अ चैनल, क्रिएट चैनल। तो जैसे ही मैंने ये पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग हो रही है और अब हमारी यूट्यूब चैनल जो है क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोडिंग हो चुकी है और योर चैनल इज़ बीइंग क्रिएटेड, चेक बैक इन अ फ्यू मोमेंट्स। सो आपका चैनल जो है क्रिएट हो चुका है और कुछ ही मोमेंट्स में आप इसको चेक करें। तो इसके लिए हम क्या करें, दोबारा इस पर क्लिक करें, रीलोड करें ताकि रिफ़्रेश हो जाए आपका यूट्यूब पेज। और आप जैसे ही इसको रिफ़्रेश करेंगे तो तब अभी भी जो है हमारा पास ये ऑप्शन शो हो रहा है। तो इसको हमने बंद करना है क्योंकि मुझे मैसेज मिला कि फ्यू मोमेंट्स लेटर आप इसको चेक करें। दोबारा हम आते हैं ताकि हम इसको चेक करें कि आया हमारा चैनल अब बन चुका है या नहीं। तो क्या करना है, आपने अपना गूगल क्रोम बंद कर देना है और दोबारा ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आके आप क्लिक दोस्तों सिंपली यहाँ पर क्लिक करें अपने प्रोफाइल पे और सिंपली यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करें, यूट्यूब स्टूडियो पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम कुछ सेटिंग करेंगे तो तभी हमारा चैनल जो है वो पब्लिश होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने सेटिंग पे जाना है, ठीक है ना। सेटिंग पे जाने के बाद अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है चैनल के ऊपर, और अब यहाँ पर आपने कुछ बेसिक इन्फो चूज़ करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने चूज़ करना है, तो हमारा पाकिस्तान है, आपका अगर इंडिया, बांग्लादेश या अफगानिस्तान है तो आप अपना कंट्री यहाँ से चूज़ करें। तो यहाँ से हम क्या चूज़ करेंगे, हम यहाँ पर चूज़ करेंगे पाकिस्तान। सो यहाँ से मैंने ढूंढना है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान रहा, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ कीवर्ड जो है वो भी दे देना है, ठीक है ना। कीवर्ड्स अपने चैनल के हवाले से आपने दे देना है, जैसे कि हमारा चैनल है फॉर एग्जांपल वीलॉग्स, हमारा वीलॉग्स के हवाले से, ठीक है ना। सो वीलॉगिंग फैमिली वीलॉग्स, सो फैमिली व्लॉग्स
इसी तरह आपने ट्रैवल ब्लॉग्स आपने यहाँ पर कीवर्ड देने हैं अपने चैनल के हवाले से, ठीक है ना। एडवांस सेटिंग पर आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ीद कुछ सेटिंग है, इसको अभी फ़िलहाल आपने छोड़ना है, सिंपली जिस तरह के है इस तरह आपने छोड़ देना, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा पहला बेसिक सेटिंग, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अपडेट्स अपडेट डिफ़ॉल्ट से ये अपडेट सेटिंग है, तो इसको हम बाद में आपको सिखा देंगे। बस फिलहाल के लिए हमने चैनल में यहाँ सिर्फ कंट्री सजेस्ट किया और सेलेक्ट किया और यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स इसको सेलेक्ट करें, सेव करें। तो अब हमारे पास सेटिंग जो है वो सेव हो चुकी है, ठीक है। अब हम सिंपली यहाँ पर आते हैं और अपने यूअर चैनल पर क्लिक करते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि हमारा चैनल अभी क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल जो है अब क्रिएट हो चुका है, कोई सब्सक्राइबर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर अबाउट सेक्शन है, तो हमने कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टमाइज चैनल पर जाएं और अब हमने जो हमारी रिमेनिंग सेटिंग है वो लगा देनी है अपने चैनल के ऊपर, ताकि हमारा चैनल जो है वो प्रॉपरली ठीक हो जाए। तो जैसे हमने उधर क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ब्रांडिंग आ रहा है, बेसिक इन्फो आ रहा है। तो हमने बेसिक इन्फो पे क्लिक कर देना है सबसे पहले। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है अपनी चैनल के हवाले से। तो यहाँ पर आप कौन सा डिस्क्रिप्शन देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम व्लॉगिंग के हवाले से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी ऐसा लिखे कि जो व्लॉगिंग के हवाले से हो। तो यहाँ पर मैं कुछ आइडिया लेना चाहता हूँ, व्लॉग डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब। सो मैं ज़रा सा आइडिया लेना चाहता हूँ यूट्यूब इससे, ठीक है ना, जो क्या है गूगल से, ताकि मैं उस तरह का डिस्क्रिप्शन अपनी वीडियो में ऐड करूँ, ठीक है ना, सॉरी अपने यूट्यूब चैनल में। सो द बेस्ट यूट्यूब डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट टू इंक्रीज व्यूज़। ओके, सो कुछ आइडिया यहाँ से लेना है, आप देख सकते हैं। ओके, टेल व्यूअर्स व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर वीडियो, मतलब अपने व्यूअर्स को हमने बताना है कि यार मेरे चैनल में क्या है, क्या देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम जस्ट नॉर्मली फिलहाल के लिए लिखते हैं, हाय आई एम मोहम्मद आरिफ फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, आई एम अ फुल टाइम व्लॉगर एंड आई विल ब्रिंग सम इंटरेस्टिंग व्लॉग्स ऑन डेली बेसिस। थैंक यू। सो गाइज, यहाँ पर मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन जो है ऐड कर दी है। तो अभी इस वीडियो के हवाले से, इस वीडियो की वजह से मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह वीडियो को ख़त्म करके इसको मैं प्रॉपरली ऐड सही तरीके से जो है एडजस्ट करूँगा। आप जो है पूरा टाइम दे के अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करें, ठीक है ना। यहाँ पर आपने अपने चैनल का हैशटैग भी लगाना है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है आरिफ खान व्लॉग्स, क्लियर। तो इसको इस तरह से टैग्स देना है और यहाँ पर अपने टैग में व्लॉग्स भी लगा देना है, ताकि सर्च में आपका चैनल ज़्यादा आए, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने टैग्स भी ऐड कर देनी है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन हुआ और जस्ट इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अब मैं जाता हूँ अपने चैनल के ऊपर दोबारा, तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि हमारा चैनल किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। आप हमारा चैनल बिल्कुल फ्रेश है, आप देख सकते हैं, और अब हमारे पास ये वाला अबाउट में आ चुका है। अब इसका चैनल आर्ट नहीं है हमारे पास, तो चैनल आर्ट हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली हम जाएंगे कैनवा पे, और कैनवा में मैं क्या करता हूँ, कैनवा के अंदर मैं अपना यूट्यूब चैनल आर्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे पास यहाँ पर रीसेंट डिज़ाइन में पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर सर्च करें यूट्यूब चैनल आर्ट, ठीक है ना। तो मैं ऑलरेडी रिसेंट बना चुका हूँ, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, बस इसी को मैं अपने यूट्यूब के ऊपर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ से हटा देना है, सिंपली
इसको भी, और यहाँ पर जो है मैं लिखना चाहता हूँ अपना चैनल का नाम, आरिफ खान व्लॉग्स। ठीक हो गया, तो थोड़ा स्पेस देके ताकि स्पेस इसमें आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेली व्लॉग्स, ठीक है। सो डेली व्लॉग्स के हमारा नाम जो हमारा टैग लाइन होगा वो होगा। तो इस तरह से इसकी जो आप कलर है वो भी चेंज करवा सकते हैं, अगर आप इसका कलर चेंज रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा वही वाला कलर, इसी कलर के साथ मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपली इसको मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ, शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड करें, PNG नहीं JPG चाहिए, डाउनलोड करें। अब ये जो है डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। और अब मैं वापस जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आता हूँ दोबारा और कस्टमाइज़, यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हम वापस आ जाएंगे अपनी यूट्यूब चैनल की सेटिंग पे, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारे पास ब्रांडिंग में आइए और यहाँ पर आप जो है अपना बैनर इमेज यहाँ से अपलोड करें और डाउनलोड पे जाके अपना जो डाउनलोड किया पिक्चर वो अपनी यहाँ से ऐड करना है। आरिफ खान व्लॉग्स डेली व्लॉग्स, इसको मैंने जस्ट डन करना है और पब्लिश कर देना है। तो जैसे ही मैंने इसको पब्लिश कर दिया, आप देख सकते हैं कि अब पब्लिक हो चुका है। और अब मैं दोबारा आप इसी चैनल पे जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल अब कुछ यूँ आपको दिखेगा। ये हमारे पास इसका बैनर आ चुका है और ये हमारे पास चैनल का नाम है, और अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी सेटिंग मैंने आपको सिखा दी, चैनल बनाना सिखा दिया, डिस्क्रिप्शन ऐड की और ये वाला पिक्चर आपको बनाना सिखा दिया। तो गाइज़, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में छोड़ के जो है हमें बता दें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।